खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। शदीद सर्दी के बावजूद वोटर्स सुबह सवेरे लाइनों में लग गए। 17 अजला के 1,26,68,000 वोटर्स मकामी मसाइल के हल के लिए अपने मकामी नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। पहली बार 689 मेयर और तहसील चेयरमैन का इंतखाब किया जा रहा है। पोलिंग शाम 5 बजे तक होगी। 17 अजला में 4,128 हसास 2,507 इंतहाई हसास करार दिए गए। अफगानिस्तान को इंसानी अलमिये से बचाने का एक निकाती एजेंडा। पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान। 41 बरस बाद पाकिस्तान में इस्लामी दुनिया की बड़ी बैठक। OIC वज़ीरे खारजा काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। अफगान वजीर खारजा समेत 55 ममालिक के वफूद पहुंच गए। इफ्तिताही सेशन से वजीर आजम इमरान खान खिताब करेंगे। शहरी इक्तदार में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस मुकाबला जाली निकला। मकतूल निजी कंपनी का मुलाजिम था। काम से घर वापस आते हुए पुलिस की फायरिंग का निशाना बना। थाने के बाहर लवाहिकीन ने एहतजाज किया तो पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 अहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। तीनों गिरफ्तार करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। मकतूल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। कराची में गैर कानूनी इमारतें टाइम बॉम्ब बन गईं। नाले पर कायम बैंक की इमारत नाले में ही जा गिरी। मलबा दूर दूर तक फैल गया। 17 अफराद की जान गई, कई जख्मी हो गए। MNA आलमगीर खान के वालिद भी जान बहक। तहकीकात के लिए खसूसी टीम बना दी गई। नाला लीज किए जाने का भी इंकशाफ। धमाके का मुकदमा साइड बी थाने में SHO की मुदैयत में दर्ज कर लिया गया। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला खुश्क सर्दी की लपेट में है। जिला गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग में मशहूर खामोश आबशार का पानी भी जम गया। आबशार से पानी के बजाय बर्फ गिरने लगी।